अगर आपके पास तैयारी है तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब एग्जाम गेट पे रहेंगे ना तो मन करेगा तूर के घुस जाए गेटवा। नहीं समझा? बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देखिएगा चार पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ना जो नहीं आने रहेगा ना मारेंगे तो तुक्का भी सही लगेगा। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी वुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दो खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचरे में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं कहलाती है। हर वो इंसान मरा हुआ है जो सच को सच और गलत को गलत नहीं कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते, आप भी मरे हुए हैं। कोई दिक्कत, गलत है तो गलत है। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है, असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाओ। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। तुम अगर उसके नेचर को देखो, वो प्लान बनाने में कंजूसी कभी नहीं करता। तुमको कोई सिचुएशन में डाल दिया क्वेश्चन से। एक उम्मीद और कोशिश दुनिया के सबसे बड़े शब्द हैं, कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो मुझे लगता है आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आपको फेमस होने का कोई हक ही नहीं बनता। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में, इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी उस पे आ रहा हूं, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, 15 घंटे सेटिंग मत दिया करो यार। और ये जो YouTube पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ उसको। टीना दाबी, कोई भी, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। माँ हमेशा खतरनाक लगती है, लेकिन असली में वही होती है। और जितने लोग तुम्हारे प्रति रूड होते हैं वो तुम्हें बनाना चाहते हैं, इट्स अ लॉ। माँ बाप बुरे बहुत लगते हैं, लेकिन तुम एक एज में ऐसे आओगे जब तुम्हें याद आएगा कि यार माँ बाप भी सही कहते थे। इस जिंदगी में जितने लोग तुम्हारे प्रति रूड है ना, वो सब तुम्हें बनाना चाहते हैं। और जितने तुम्हें अपीज करते हैं हर मोमेंट पे, वो तुम्हें यूज करना चाहते हैं। तकलीफें आएगी, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, धंधे में कमी, ये वो एक साथ आएगी तो लगातार 72 घंटों में एक या दो आ जाए तो तैयारी रखना 10 आने वाली है। संकट आते हैं तो सीरीज से आते हैं, ये नियम है सीरीज लगातार। और खुशियां आती है तो सीरीज लगातार, ये नियम है प्रकृति का, पहले से जान के रख लेना। उठा लो सारी ताकतें अपने कंधों के ऊपर, जितनी लाद सकता है लाद। अपने कंधों के ऊपर जो खड़ा हो गया, दुनिया सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए देगी, सम्मान उसको देगी
जो जिम्मेदारी से भागता है दुनिया उसे। बेटा हमेशा काम के पीछे भागो, पैसे के पीछे जब तक भागोगे पैसा नहीं आएगा। लड़की और पैसा घमंड में चूर रहते हैं, इनको इग्नोर मारो तो ये देखेगी अभी, अच्छा मुझे देख क्यों नहीं रहा ये, ऐसा कौन सा लड़का जो मुझे नहीं देखता है ना, तब वो आएगा आपके पास। अपने काम में बिजी रहो, सब कुछ मिलेगा। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन पागल बनकर रहो, पागल उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं आज की तैयारी, देने दो गाली। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना, तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में, खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे, जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो, और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है, बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की। अपना समय बर्बाद मत करना, इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला बहुत तकलीफ हो गया। मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है, तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा, तो टीचर ने कहा कि अरे यू आर बीइंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास। तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने,